अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल रहमान फ्रॉम फॉरेस्ट ब्लास्ट। सो आज जो हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने जा रही है, बिकॉज आप लोग काफी अर्से से हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं, जो लैपटॉप्स भी हम ज्यादातर बनाते हैं। तो मैंने आप लोगों को काफी पुरानी वीडियोस में बोला है कि हम इंशाल्लाह नए प्रोडक्ट्स पे भी वीडियोस बना करेंगे। तो आज जो हम प्रोडक्ट लेके आए वो लेके आए टेक्नो नियो 90 का जो मॉडल आया, 90 नियो और लेटेस्ट मॉडल आया इस टाइम मार्केट के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि दो तीन महीने के बाद ये शॉर्ट होने लगा पूरे मार्केट के अंदर, जो आप लोगों को पता है कि डॉलर पाकिस्तान में किस तरह डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो नए मोबाइल्स हैं उनकी जो अब आने वाली जो प्रोडक्शन है मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी आया करें। तो अभी तक तो ये टेक्नो ने लेटेस्ट मोबाइल निकाला है जो कि अभी एक हफ्ता हुआ मार्केट में आए हुए को। तो इसका जो मॉडल है वो है टेक्नो 90 न्यू मॉडल है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो अभी मैं कटर मेरे पास है, तो देखते हैं क्या सीन है। तो सुनने में तो यह है कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करने वाली मतलब मशीन है, जो कि अच्छे बजट के अंदर आप लोगों को मिल रही है, और जिसका बजट है अराउंड अबाउट 30+ बजट है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा है। इसके बैक साइड पे देखते हैं कि बॉक्स की बैक साइड पे उन्होंने लिखा क्या हुआ। वैसे जो इसकी बैक साइड पे उन्होंने लिखा हुआ जी 48 मेगापिक्सल इसका ब्राइट नाइट इसका पोर्ट्रेट कैमरा है, और 32 मेगापिक्सल इसका सेल्फी कैमरा है। और इसके अलावा इसके अंदर सबसे मेन जो चीज़ है वो है कि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, और 6GB इसके अंदर इसका रैम लगी हुई है, और 5GB आप इसमें एक्सटेंड करवा सकते हैं राउंड पूरा, मतलब 11GB तक आप इसकी रैम को लेके जा सकते हैं। तो ये उन्होंने बॉक्स के पीछे बैक साइड पर दिया होता, वैसे उन्होंने यहाँ से दिया होता कि आप यहाँ से इसको रिमूव करें उसके बाद बॉक्स ओपन करें, तो हमने वो किया ही नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया हुआ, बल्कि इसके ऊपर से यहाँ पे उन्होंने टेक्नो की ब्रांडिंग दी हुई है, और यहाँ राइट साइड पे इन्होंने फिर 128GB इसके अंदर स्टोरेज है, 6GB रैम लिखा हुआ है, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, स्टिकर लगाया हुआ है। अगर इस साइड पर देखें तो इस साइड पर भी डब्बे के उन्होंने 128GB लिखा हुआ है, 6+5 मतलब 5GB आप एक्सटेंड करवा सकते हैं लैपटॉप की तरह, इसमें भी आप इंक्रीज करवा सकते हैं रैम को 11GB तक लेके जा सकते हैं, 48 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल। तो टाइम को जाया कि बगैर लैपटॉप मोबाइल को अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स ओपन कर लिया है, जिस तरह तमाम मोबाइल्स की तरह इसको भी उन्होंने लुक तो मुझे लग रही है कि बहुत ज़्यादा अच्छी लुक लग रही है, तो अभी इसको खोल के देखते हैं। बाकी यार लुक इन्होंने बहुत ही अच्छी दी है, आप लोग देख सकते हैं इस टाइम मेरे पास ये जो कलर है ब्लैक और ब्लू का शेड दे रहा है, और बैक साइड सारी जो है इसकी प्लास्टिक में। लोग पूछ रहे थे कि यार ये क्या ग्लास का कवर है, ग्लास कवर में नहीं, ग्लास कवर में नहीं है, प्लास्टिक कवर में है। तो ऑलरेडी मेरे पास एक इसका यूनिट और भी आ चुका था, तो मैंने उसकी टेस्टिंग वगैरह की थी, तो ये प्लास्टिक के अंदर है, और ये इसकी जो कलर देखी जाए तो बहुत ही अच्छी थीम है। अब इसके हम देखते हैं बॉक्स के अंदर की और क्या चीज़ दी हुई है। अच्छा जी, एक सिलिकॉन इसका कवर दिया गया है, कवर भी बहुत अच्छा है, ये आईफोन की थोड़ी सी शेप दे रहा है, जिसके पास आईफोन 30 प्रो मैक्स है उसकी शेप दे रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। वाइट कलर के अंदर है, और क्वालिटी के वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा है। पूरे बॉक्स के अंदर एक इन्होंने अपना सी केबल की इसकी वायर भी दी हुई है, 18 वाट का चार्जर है। चार्जर को इनको चाहिए था कि थोड़ा सा ये इंक्रीज़ करते ताकि जो बैटरी है वो जल्दी चार्ज हो सके, तो 18 वोल्ट का चार्जर है। और मजे की बात यह है कि अक्सर मोबाइल्स में अब हैंड पीस नहीं आ रही, तो जिसमें हैंड फ्री भी दी हुई है इन्होंने, इतनी खास क्वालिटी की तो नहीं है, राउंड बोर्ड मार्केट में आपको 500 तक मिल जाती होती है। और एक इन्होंने और क्या दिया हुआ है, सिम का जो पिन इंजेक्शन है वो दिया हुआ है, उसके अलावा वारंटी कार्ड है, इस पर वारंटी कार्ड पर लिखा हुआ है 12+1 मतलब 13 महीने की वारंटी है। सॉफ्टवेयर की वारंटी, अगर आप आउटलेट से बाय कर रहे हैं तो आपको सॉफ्टवेयर की वारंटी भी दे रहे होते हैं, और वो आपको डिस्प्ले के अलावा बाकी तमाम चीज़ों की वारंटी भी दे रहे होते हैं हार्डवेयर की। बाकी ये नोटबुक है, तो टाइम को जाए के बगैर अब आपको बाकी चीज़ें बताते हैं कि मोबाइल में क्या क्या है, उसको ऑन करते हैं। वैसे मुझे सबसे अच्छी जो इस टाइम इसकी चीज़ लगी है ना, वो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि यार इसका जो बैक साइड है वो बहुत ही आला है। जो इन्होंने बैक साइड पे दो कैमरे दिए हुए हैं, मेन कैमरा तो ऊपर वाला फ्रंट कैमरा है इसका, जो नीचे वाला कैमरा है उसके अंदर तो दो लेंस डाले हुए हैं, और ये कोई इतना खास फोकस वगैरह नहीं करते, लेकिन मेन कैमरा यही है 48 मेगापिक्सल जो बोलता है। अच्छा, मोस्टली लोग पूछते हैं यार 48 मेगापिक्सल होता है, यार ये पिक्सल होता है, ये मेन ये नहीं होता कि जो आप लैपटॉप से बाय कर रहे हो तो उस पर रेजोल्यूशन नहीं होता, तो सेम इस तरह ये पिक्सल्स की भी रेजोल्यूशन होती है कि पिक्चर आपको इतनी 48 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन देगा। यहाँ पर टेक्नो ने अपना स्टिकर लगाया हुआ है जो कि हम रिमूव कर देते हैं ताकि इसकी असल लुक देख सकें। अच्छा, मैंने स्टिकर रिमूव किया तो थोड़ा सा भी निशान छोड़ गया है, क्योंकि प्लास्टिक का प्लास्टिक की बॉडी थी, वह मैंने जिस तरह पहले बोला कि इसमें कोई ग्लास बैक साइड नहीं दिया हुआ, जिसकी वजह से जब भी इस पर कोई हल्के फुल्के निशान भी आ सकते हैं। साइडों से अगर देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने फिंगरप्रिंट का बटन भी दिया, और पावर बटन भी है, उसको मैं दबा के रखता हूँ ताकि ऑन भी हो जाती देर में। और यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम की अप एंड डाउन की दी हुई है। उसके अलावा अगर हम इसके इस साइड पर देखें तो यहाँ पे इन्होंने दो सिम्स का जो इंजेक्टर होता है आप अंदर दो सिम डाल सकते हो, एक माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं। बैक साइड पर इन्होंने नीचे माइक्रो अपना फोन के स्पीकर दिए हुए हैं, उसके अलावा यूएसबी पोर्ट से जो है सी केबल बल्कि दी हुई है, सी केबल देख लेते हैं, सी केबल ही है, सी केबल दी हुई है, और सी केबल का इन्होंने ऑप्शन दिया कि आप यहाँ से सी केबल से चार्जिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फोन माइक केबल का कनेक्टर दिया हुआ है,
या बैक साइड पे कैमरों के साथ उन्होंने एक छोटी सी फ्लैश लाइट दी हुई है। और सुनने में आया था कि इसके अंदर उन्होंने टेक्नो ने बहुत से फंक्शन चेंज किया, तो अभी ऑन हो रहा, तो देखते हैं कि कितनी देर में ये ऑन होता है, उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें। फ्रंट साइड पर उन्होंने कैमरा दिया हुआ, एक ऊपर स्पीकर भी दिए हुए हैं, अभी देखते हैं कितनी देर में ऑन होता है, इसको भी ऑन किया, टाइम ले रहा है, टाइम बड़ा ले रहा है। ये अभी लिखा हुआ तो आ रहा है टेक्नो पावर्ड बाय एंड्रॉइड, जिस आप अभी तमाम मोबाइलों को भी करते हैं। ये अब दोबारा गया है टेक्नो की ब्रांडिंग पे, देखते हैं। इसे साबित होता है कि जितना लेट ऑन हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई खास जाने वाली डिवाइस है। अगर इसके अंदर इन्होंने अभी ये अब हो जाकर ऑन हुआ है, तो इसको बहुत जल्दी ऑन होना चाहिए था। इसकी हम चीज़ें चेक कर लेते हैं, इसके अंदर सेटिंग कर लेते हैं कुछ। तो जिस तरह ये अभी हमारे सामने ऑन कर लिया है हमने मोबाइल को, तो अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। 5000 mAh की इसके अंदर बैटरी दी गई है। बैक साइड के कैमरे का मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले बताया कि इन्होंने कहा 48 मेगापिक्सल कैमरा और फ्रंट 32 मेगापिक्सल कैमरा है। अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.8 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। 6.8 इंच डिस्प्ले दिया गया, मतलब आपने मूवीज़ वगैरह देखनी है तो बेस्ट है, किसी को चित्र वगैरह मानना तो बेस्ट है ये। और अगर इसकी बैक साइड की शेप से बात करें तो ये थोड़ा सा आईफोन 11 की तरह शेप देता है, कैमरा थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और अगर यहाँ पे एक और कैमरा लगाते हैं तो 30 प्रो मैक्स भी बन सकता था। उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या उन्होंने नया फंक्शन दिया है। अच्छा, इसमें एक नया फंक्शन उन्होंने जो सॉफ्टवेयर में दिया वो ये दिया है गाइस, कि अगर आपने राइट साइड पे जिस पर क्लिक किया है, ये आप मैं पावर बटन से इसको बंद करता हूँ, मैं ऑन कर रहा हूँ दोबारा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये राइट साइड है, जब हम राइट साइड से करेंगे तो इसके जितने फंक्शन है, ब्राइटनेस को इंक्रीज करना, वॉल्यूम को बढ़ाना, ये डिफरेंट जो फंक्शन है वो यहाँ से आएंगे। अगर हमने इसके यहाँ लेफ्ट साइड से इसको ऊपर से लेके आए हैं, तो जो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे होंगे तो ये तमाम नोटिफिकेशन आएंगे। उसके अलावा इसके अंदर जो इन्होंने वर्जन दिया है एंड्रॉइड का, वो मेरा 10.12 सुनने में आया था या 10.11 सुनने में आया था, मैं वो देख रहा हूँ कि वो कौन सा इन्होंने इसके अंदर वर्जन किया अपडेट। तो उसके अलावा जो मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपके बजट के अंदर क्या आपको ये पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो मेरे लिहाज से तो उम्मीद है कि आपको इसकी बैक लुक जो होगी वो आपका दिल ले लेगी कि यार ये बाय करना चाहिए। अगर वर्किंग के लिहाज से देखें तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खास जाने वाला ये मोबाइल है। तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि इस बजट 30-35,000 के बीच में ये मार्केट में आने वाला है, तो डिपेंड नहीं करता है कि आप लोग इसको बाय करते हैं नहीं करते। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।